हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और हमारी जो ट्रिपल सी क्रेश कोर्स की जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज हमारी क्लास है, क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 क्लासेज आ चुकी हैं, जिन स्टूडेंट ने इन क्लास को नहीं लिया वो इन क्लासेज को भी ज़रूर ले लें। तो 5 क्लास आज हमारी, यानी कि 5वीं क्लास है ट्रिपल सी क्रेश कोर्स। आप सभी जानते हैं ट्रिपल सी कंप्यूटर कितना महत्वपूर्ण कोर्स है। आज के समय में कोई भी भर्ती हो तो हर जगह पर ट्रिपल सी को मांगा जा रहा है। तो आइए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है उसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। क्या देखिए, पावर पॉइंट के अंदर शॉर्टकट का प्रयोग, यानी कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग करके नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है Ctrl+M। कौन सी किस शॉर्टकट का प्रयोग करके? Ctrl+M का प्रयोग करके। किसका? Ctrl+M का प्रयोग करके। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, वर्तमान में स्लाइड से क्या, स्लाइड शो, मान लो कि स्लाइड से हमें स्लाइड शो शुरू करना है तो उसके लिए निम्नलिखित में से हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा Alt+F5 का। किसका? Alt+F5 का उसके लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट का उपयोग करते समय पावर पॉइंट शो प्रीव्यू करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। जब हम पावर पॉइंट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय पावर पॉइंट जो शो है उसे प्रीव्यू करने के लिए हम जो सेलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं? व्यू स्लाइड शो। क्या? व्यू स्लाइड शो सेलेक्ट हमें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? व्यू स्लाइड शो सेलेक्ट हमें करना पड़ता है। पावर पॉइंट का उपयोग, यानी कि उसका यूज़ करते समय पावर पॉइंट शो प्रीव्यू करने के लिए व्यू स्लाइड शो को सेलेक्ट करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रकार है पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन का। क्या? पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन का जो इसमें से ऑप्शन है वो क्या है? वो है ब्राउज एट कियोस्क, ब्राउज बाई एन इंडिविजुअल, या फिर प्रेजेंट्स बाई द स्पीकर। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट बाई द स्पीकर, ब्राउज बाई इंडिविजुअल एंड ब्राउज एट ए कियोस्क, ये तीनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। यानी कि जो प्रकार है पावर पॉइंट स्लाइड शो के ऑप्शन है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा, जो आपने अभी देखा, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, MS पावर पॉइंट में अपनी प्रस्तुति के लिए एनिमेटेड छवियों को खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह है। MS पावर पॉइंट के अंदर अपनी प्रस्तुति के लिए एनिमेटेड छवियों को खोजने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो क्या है? वो है क्लिप आर्ट। कौन सी जगह है? वो है क्लिप आर्ट। अब देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो कराने के लिए, क्या शॉर्टकट की जो है प्रेजेंटेशन का जो वर्तमान स्लाइड है उसको स्लाइड शो कराने के लिए। देखिए, इस तरह क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। क्या? मान लीजिए कि वो प्रेजेंटेशन है उसकी जो वर्तमान स्लाइड है उसको स्लाइड शो कराने के लिए क्या है, उसके लिए जो शॉर्टकट की है क्या है, इसके अंदर पूछा गया है वो शॉर्टकट की कौन सी है। क्वेश्चन का मतलब समझिए, तो वो शॉर्टकट की F5 है, Ctrl+F5 है, Alt+F5 है, या फिर Shift+F5 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जो शॉर्टकट की है वो है Shift+F5। कौन सी? Shift+F5। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड्स का एक संग्रह कहलाता है। जो स्लाइड्स है उसका एक संग्रह क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है, या फिर प्रेजेंटेशन, या फिर इनमें से सभी। तो स्लाइड्स का जो एक संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रेजेंटेशन। क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्लाइड शो दृश्य में नहीं बढ़ेगी। कहाँ पर? MS पावर पॉइंट के यहाँ पर बात हो रही है। किसकी? MS पावर पॉइंट के यहाँ पर बात हो रही है। तो MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड नहीं बढ़ेगी, तो ये नहीं बढ़ेगी, एस्केप की। यहाँ पर एस्केप की। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्क्रीन उपयोग पर सभी स्लाइड देखने के लिए MS पावर पॉइंट पर, अगर हम मान लीजिए कि पूरा कंप्यूटर देखे गए, इसी स्क्रीन पर हम सभी स्लाइड देखने हैं, कहाँ पर, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? MS पावर पॉइंट की बात चल रही है। पहले तो यह बात आप ध्यान रख लीजिए, अगर हमें पूरी इस स्क्रीन पर क्या करना है, पूरी इस स्क्रीन पर क्या करना है हमें, एक ही, मतलब सारे स्लाइड हमें एक ही स्क्रीन पर देखने हैं, तो एक स्क्रीन उपयोग पर सभी स्लाइड देखने के लिए MS पावर पॉइंट के अंदर व्यू स्लाइड सॉर्टर इसका इस्तेमाल होगा, यानी कि इसका हम करना पड़ेगा। इसका व्यू स्लाइड सॉर्टर, तो ये बात आपको याद रखनी है।
अभी तक क्लास को आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, और जब क्लास पूरी हो तो अपने फ्रेंड के साथ में क्लास को शेयर भी करें, और चैनल को आप में से जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और चीज़ आप साथ के साथ याद रखें, हमारी कोविड-19 क्वेश्चन की क्लासेज भी चल रही हैं, तो कोविड-19 क्वेश्चन की क्लासेज भी आप ज़रूर लें, क्योंकि कोविड से ही परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, ग्रुप डी हो, UPSC हो, यानी कोविड से मतलब प्रश्न कहीं पर भी किसी प्रकार का बन सकता है, चाहे रेलवे हो, SSC हो। तो कोविड की हमारी अभी तक 20 क्लासेज आ चुकी हैं हमारे क्वेश्चन की, तो 20 जो क्लासेज हैं उनको भी आप ज़रूर ले लें। और इसके अलावा 3 स्पेशल क्लासेज, यानी एक क्लास के 3 पार्ट आए थे स्पेशल क्लास के, वो तीनों पार्ट भी और जो 20 क्लासेज आई हैं इनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, यानी कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट, अगर आप वास्तव में सरकारी नौकरी फिर अगर आप वास्तव में आप सफलता चाहते हैं, तो आप याद रखें उन क्लासेज को आप ज़रूर लें, चाहे कोविड की मैंने आपको बात बताई, कोविड-19 की, या फिर इसके अलावा मैंने आपको जो बात बताई है। इन एक और चीज़ आपको याद रखनी है, स्पेशल करंट अफेयर हमारे चैनल पर चल रही है, उस करंट अफेयर की क्लास को भी आप ज़रूर लें। और साथ ही साथ एक और चीज़ नोट करते चलें, इसके अलावा जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, UNO की बात कर लें, क्षाशी रेखाओं की बात कर लें, सभी चैनल पर मौजूद हैं। जो कि जो पुराने स्टूडेंट हैं वे इस बात को जानते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो नहीं जानते, इसलिए उनको यहाँ पर बताना आवश्यक है। तो जितनी भी क्लासेज हैं वो सभी आप ले लें, एक बार पूरी तरह से चैनल को चेक कर लें, और एक बार प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है उसके अंदर जरूर जाएं, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो सब मिलेगा जो कि आपको कहीं और पर उपलब्ध नहीं होगा, कहीं और पर आपको नहीं मिल सकता। तो इसलिए प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लें। प्रत्येक माह मनाए गए दिवस, ये सभी जितनी प्रकार इस प्रकार की चीज़ें वो सभी भी उसके अंदर हैं, तो ये सभी एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो इसके अंदर आपका खुद का नुकसान हो सकता है और आप किसी न किसी क्वेश्चन से चूक सकते हैं। तो इसलिए एक बार उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य वो है आपके सामने आसानी के साथ में, और आप जिससे जल्दी याद कर सकें, जल्दी आप समझ सकें, वो उस चीज़ों को प्रस्तुत करना। आइए बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम CCC का एक क्रेश कोर्स भी इसीलिए हम चला रहे हैं, यानी कि वही एग्जिट जो कि आप परीक्षाओं के अंदर आएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड शार्टर कमांड पाया जाता है। तो पावर पॉइंट के अंदर किस मेन्यू के अंतर्गत, यानी कि देखिए बात तो यहाँ पर पावर पॉइंट की चली रही है, पावर पॉइंट के अंदर यानी कि किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड शार्टर कमांड पाया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर मेन्यू किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड पाया जाता है। तो ये पाया जाता है व्यू के अंदर। कहें के अंदर, व्यू के अंदर पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड पाया जाता है, व्यू के अंदर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है। तो किसी स्लाइड को जो स्टॉप किया जाता है वो किया जाता है प्रेस एस्केप की से। किससे? प्रेस एस्केप की से। क्या किया जाता है कि कोई भी स्लाइड है उसे हम स्टॉप कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अपने हैंड होवर में हेडर या फिर फुटर डेक जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप उपयोग कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम उसके अंदर क्या उपयोग कर सकते हैं, कहाँ पर? अपने हैंड आउट में हेडर या फिर फुटर डेक जोड़ने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं? तो हम यूज़ कर सकते हैं हैंड आउटर मास्टर। क्या यूज़ कर सकते हैं? तो उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं हैंड आउटर मास्टर। क्या? हैंड आउट मास्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत। अगर आप किसी भी चीज़ को जूम कर रहे हो, अगर मैं आपको बताऊँ तो इस प्रकार से अगर आप जूम कर रहे हैं तो जूम का जो अधिकतम प्रतिशत है वो कितना है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो जूम का जो अधिकतम प्रतिशत है वो कितना है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो पावर पॉइंट के अंदर जूम का अधिकतम प्रतिशत है 400। कितना? 400। जूम के बारे में आप सभी जानते ही हैं, जूम मैंने आपको कर भी यहाँ पर दिखाया है। तो जूम का अधिकतम प्रतिशत है किसके अंदर? 400 पावर पॉइंट के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शॉर्टकट का प्रयोग डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आपको कोई डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। कोई भी डुप्लीकेट अगर आपको स्लाइड बनानी है तो उसके लिए जो आप प्रयोग करेंगे, जिस शॉर्टकट की का आप प्रयोग करेंगे वो होगी Ctrl+D। क्या होगी? Ctrl+D का आपको प्रयोग करना होगा अगर आप कोई डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी स्लाइड में टेक्स्ट क्लिप आर्ट और चार्ट को पकड़ कर रखने के लिए उपयोग क्या करते हैं। या मान लीजिए कि हमारी कोई स्लाइड है, उसके अंदर टेक्स्ट क्लिप आर्ट और चार्ट को पकड़ कर रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो हम जो उपयोग करते हैं, यहाँ पर हमें 4 विकल्प मिले गए हैं। तो अगर हम विकल्पों की बात करें तो हम जो उपयोग करते हैं वो करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का, या फिर ड्राइंग बॉक्स का, या फिर प्लेस होल्डर का, या फिर विंडो का। तो इसके अंदर से जो हम उपयोग करते हैं वो करते हैं प्लेस होल्डर का। किसका? तो प्लेस होल्डर का इसके अंदर हम उपयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कमांड का प्रयोग आप प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए करते हैं? कौन सा वो कमांड है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए? वो कौन सा कमांड है? तो वो कमांड है कंट्रोल प्लस होम। क्या? कंट्रोल प्लस होम का हम प्रयोग करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कौन से कमांड का? कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हमें प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर, यानी कि पहली जो स्लाइड है उस पर अगर हमें जाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस होम का उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू से चयन करें। मान लीजिए कि स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करना है तो उसके लिए मेन्यू से हमें क्या चयन करना पड़ेगा? मान लीजिए कि हम कोई भी स्लाइड है, स्लाइड हैंड आउट है, उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए मेन्यू से जो हमें चयन करना पड़ेगा, जो हमें चुनना पड़ेगा, जो हमें चूज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा फाइल प्रिंट। क्या करना पड़ेगा? फाइल प्रिंट, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? हमें चूज करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसका चयन करना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? तो इसके अंदर जो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है वो है डिसॉल्व। क्या है? डिसॉल्व इसके अंदर क्या है? ट्रांजिशन इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए एक मेन्यू कमांड है। सो स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए एक मेन्यू कमांड है इंसर्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स। क्या? इंसर्ट यानी कि टेक्स्ट बॉक्स एक मेन्यू कमांड है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने के लिए कौन सा व्यू अच्छा है? प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप सभी स्लाइड्स पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा व्यू है वो कौन सा है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू, या फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू? तो इसके अंदर सही जो है, सबसे अच्छा जो व्यू है वो है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, स्लाइड्स में टाइम सेटिंग डालने के लिए दबाएं। स्लाइड के अंदर अगर हमें टाइम सेटिंग डालना है तो क्या, तो इसके लिए हमें दबाना होगा स्लाइड लेआउट। क्या? स्लाइड लेआउट कहाँ पर दबाएंगे? अगर हमें स्लाइड्स के अंदर टाइम सेटिंग करनी है, टाइम सेटिंग को हमें डालना है, तो हमें स्लाइड्स लेआउट को दबाना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप चाहते हैं कि आर्ट प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई दे तब आर्ट को कहाँ पर रखना है? अगर हम चाहते हैं कि आर्ट जो है प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई दे तो हम हार्ट तो यानी कि तब हमें क्या करना होगा? अगर हम चाहते हैं कि आर्ट प्रत्येक स्लाइड पर, यानी कि हर एक स्लाइड पर दिखाई दे, तो हमें आर्ट को क्या करना होगा? हमें आर्ट को कहाँ पर रखना होगा? तो हमें आर्ट को रखना होगा स्लाइड नोट पर। कहाँ पर? स्लाइड नोट पर हमें आर्ट को रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैसे एक एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं? हम कैसे एक एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं? तो अगर हमें एक एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करना है तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा ए एंड सी बॉक्स का। कौन कौन से का? ए एंड सी का, यानी कि उसके अंदर हमें जो इस्तेमाल करना होगा वो करना होगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना होगा। इस पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना होगा, उसके अलावा चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करना होगा, फिर क्या एम एस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट पर क्लिक करना होगा। क्या? आप देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्या राइट क्लिक करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट पर, जब राइट क्लिक कर दिया उसके बाद एम एस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट पर क्लिक करना होगा। तो यही दोनों प्रक्रिया करके क्या हो जाएगा, यही दोनों प्रक्रिया करके हम क्या, ये दोनों काम करके हम क्या कर सकते हैं, एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। यानी कि इसका ये वाला विकल्प गलत होगा, ये दोनों सही होंगे, यानी कि ये दोनों ही प्लस यानी कि हमें करने होंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो पावर पॉइंट शो के अंदर जो जोड़ा जा सकता है, पावर पॉइंट शो के अंदर जो फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है, वो जो चाहे आप .giv, .wav या फिर .jpg जोड़ सकते हैं, यानी कि तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे, तीनों को ही इसके अंदर आप जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पावर पॉइंट फीचर उपयोगकर्ता को एक सरल प्रेजेंटेशन बनाने की अनुमति देता है? वो कौन सा पावर पॉइंट है जो फीचर यूज़र को, यानी कि फीचर उपयोगकर्ता को एक सरल प्रेजेंटेशन, एक आसान प्रेजेंटेशन बनाने की अनुमति, यानी कि उसकी अनुमति देता है, उसकी इजाज़त देता है? तो ये देता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। कौन देता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड ये अनुमति देता है। तो आज की जो हमारी क्लास है CCC की, समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास नंबर 5 की हमारी पूरी हुई, जिन स्टूडेंट ने 4 क्लासेस को नहीं लिया था तो वो इन क्लास को भी जरूर ले लें एक बार, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता को सब्सक्राइब तो